अरे तो मीम, पहला मीम, मीम का अदद है 40। बोलिए कितना अदद है? फिर उसके बाद ये, उसका अदद है 10। फिर मीम, उसका अदद है 40। तो मीम पूरा लफ्ज तीनों हर्फों को मिलाया तो इसके कुल अदद बन गए 90। कितने बने? इसके बाद आ गया हा, हा में हे, इसके अदद हैं 8। अलिफ, उसके अदद हैं 1। तो हा को जब आदाद बसीत में बतौर लफ्ज लिखा तो इसके अदद बने 9। उसके बाद फिर मीम, और ये मीम मुशद्दद है, 2 मरतबा आया है मीम, 2 मरतबा। तो चूंकि 1 मरतबा मीम के अदद थे 90, जब 2 मरतबा आया तो अदद बन गए 180। फिर दोबारा 180 बने। फिर दाल, दाल का अदद है 4, अलिफ का 1 और लाम का 30। ये मिलाए तो दाल की अदद बन गए 35। तो 90 उसमें जमा किया, नीम की अदद 90 में जमा किया हा 9 को, और उसके बाद नीम 2 मरतबा जमा किया 180। उसके बाद दाल के अदद 35 जमा किए। जब ये मुहम्मद के 5 चारों हरूफ जब आदाद बसीत के उसूल पे जमा किए तो कुल अदद बन गया 314। अदद बन गया 314। एक लफ्ज मुहम्मद और आदाद बसीत के इल्म में उसके अदद बने 314। लफ्ज मुहम्मद के अदद बता रहे हैं कि मेरे महबूब तन्हा जात तो एक है और तेरा नाम मुहम्मद है, मगर एक मुहम्मद में 314 रसूल सब जमा। मुहम्मद में इब्राहिम भी है, मोहम्मद में मूसा भी है, मोहम्मद में दाऊद भी है, मोहम्मद में ईसा भी है, मोहम्मद में 314 रसूल जमा हुए। 314 में 1,24,000 नबी जमा थे और 1,25,000 नबियों में कुल कायनात जमा थी और कुल इंसान में खुदा की सारी मखलूकात जमा थी, बाकी रह गया फकत एक खालिक। उधर रहा खालिक और दूसरे एंड पर खालिक के सिवा जो कुछ है वो मखलूक है। जैसे मौलाना अल्लामा अशरफी साहब ने बताया, अर्शो कलम मखलूक है, लौहो कलम मखलूक है, जन्नत और दोजख मखलूक है, जिन्नो मलाइक मखलूक हैं, माराए आला मखलूक है, जबरूत और मलकूत मालूक मखलूक है, आदम नासूत मखलूक है, शजर और हजर, अलगरज अल्लाह के सिवा। जब उसने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन, तो कुन से पहले सिर्फ अल्लाह था और जब कुन हो गया तो कुन के बाद जो कुछ है वो मखलूक है। कुन कहने वाला अल्लाह है और कुन के नतीजे में जो कुछ हो गया, जो कुछ जहूर पजीर हो गया, जो कुछ वजूद पजीर हो गया, जो कुछ आज तक जाहिर हो चुका और जो कुछ आज तक जाहिर नहीं हुआ, उस अल्लाह के सिवा बकाया सब कुछ मखलूक है। और सारी मखलूक का खुलासा इंसान है, इंसान का खुलासा नबुव्वत है, नबुव्वत का खुलासा रिसालत है। रसूल 314 है और 314 सारे रसूल एक मोहम्मद में गुम है।